अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर क्विक रेसिपी फॉर रमदान लेकर मैं फिर से आपके पास आ गई हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी रमदान सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है बहुत जल्द, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रमदान के लिए। बाबरकत महीना है, इसकी खुशी ज़ाहिर हर मुसलमान के दिल में बहुत ज़्यादा होगी, तो इस तरह से मुझे भी बहुत खुशी है। तो क्विक रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कद्दू दाल, और इसको आप रमदान में क्विक किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जी देखिए, आपको दिखा रही हूँ, मैं ऑयल मैंने रख दिया है, डाल दिया है एक बर्तन में, और इसमें मैं प्याज डालकर मसाला बनने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, तो यहाँ पर जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि मसाला मेरा जो वो चूल्हे पर है उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। साथ में जल्दी से मैं कद्दू जो है वो इनके ऊपर की स्किन को पिल ऑफ कर लेती हूँ। और इस रेसिपी को क्विक बनाने के लिए मैंने क्या टिप जो है वो यूज़ की है वो ये है कि जो दाल चना है उसको आप एक दिन पहले बॉईल करके रख लें फ्रिज में, ताकि इफ्तार के टाइम पे आप जल्दी से 20 से 25 मिनट के अंदर अपना जो खाना है वो तैयार कर सके। क्योंकि ज़ाहिर है इफ्तार में जो है वो सिर्फ एक आइटम तो होता नहीं, आपको 2 से 3 आइटम एट अ टाइम बनाने पड़ते हैं, साथ में आपको पकौड़े देखने होते हैं, साथ में आपको फ्रूट चाट देखनी होती है। क्योंकि हमारे घर में इस तरह से बना करता था, लेकिन ये मेरा फ़र्स्ट रमदान है जो अम्मी के बिना है, और ये मेरा फ़र्स्ट रमदान है जो मेरा अकेले गुजरेगा। लाइक मेरे पास कोई सिस्टर नहीं है, और बस भाई हैं और बाबा हैं, और मुझे ही देखना है खाने की हर चीज़ को, या जो भी मेन्यू होगा उसे मुझे ही डिसाइड करना है। तो आई डोंट नो इस रमदान में हमारी क्या मेन्यू होगा, और मैं क्या ज़्यादा कुछ बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन हमें रमदान में कोशिश करनी चाहिए कि हम इन खाने पीनों की जो अपनी ख्वाहिशात हैं उनको थोड़ा साइड पे रख लें। ठीक है, होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ज़रा ज़्यादा ध्यान हम अपने आमाल पर कर लें तो आई थिंक इट्स बेटर। तो उसमें यह है कि आपको साथ साथ बाकी चीज़ें भी देखना होती हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता रही थी कि आप जो है क्विक रेसिपी किस तरह से बना सकते हैं। तो ये दाल जो वो एक दिन पहले, 2 दिन पहले, किसी भी फ्री टाइम में, या सुबह सहरी के बाद, या दिन में जब तक आपको रोज़ा महसूस नहीं हो रहा होता, उस टाइम में आप इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बॉयल करके रख सकते हैं फ्रिज में, ताकि जब टाइम आए ज़रूरत के वक्त, आप इफ्तार के टाइम पर, इफ्तार से थोड़ी देर पहले, अपनी रेसिपी को जल्दी से बना सकें। तो जैसा कि अब शबे बारात जो है वो आज है, तो हमें बहुत खुशी है, ज़ाहिर है हर मुसलमान के दिल में इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हम रमज़ान के करीब आते जा रहे हैं। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें रमज़ान का ये बाबरकत महीना नसीब करे, और हमें इसका इज्जत व एहतराम करने की तौफीक दे कि हम इसको अच्छे से गुजार सकें, जो रमज़ान का हक है हम वो अदा कर सकें। बेशक हम अदा नहीं कर सकते, हम रमज़ान में भी भूल जाते हैं कि हम इस बाबरकत महीने में हैं, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें गलत काम नहीं करना, हमें चोरी नहीं करनी, लेकिन हम फिर भी जो है वो इस चीज़ से बाज नहीं आते। लेकिन अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह इसका एहतराम करने की तौफीक दे कि हम इस रमज़ान का इस बाबरकत महीने का एहतराम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल करें, ताकि हम अल्लाह की नज़र में अच्छे इंसान बन सकें। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अब जो प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च काट लेती हूँ। दाल मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मैंने जो बॉयल करके कंटेनर में रखी हुई है, अभी जल्दी से मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। बातें बहुत, قصات لمعت كما العقيان، يا من آبنتم كل خير بارقا، ألبستم من أروع التجار، هذا التخرج قد بدا في رونق، قد جاء شكرا هبا للمنان، شكرا إله الكون إن قلوبنا فرحت بما قد زال من أحزان، فالحمد لله الكريم. यहाँ पे देखिए मसाला जो मेरा, मैंने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल दिए हैं, और जल्दी से मैं इसको अच्छा सा मसाला तैयार कर लेती हूँ। और अभी बारी आती है हम अपने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, और स्पाइसेस में नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका जो कद्दू दाल का सालन है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, एक अच्छा सा मसाला तैयार करने के बाद मैं अपने कद्दू इसमें ऐड कर दूँगी।
यहाँ पे देखिए मैंने इसमें कद्दू ऐड कर दिए हैं। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें हल्का सा पानी लगाने के बाद इसको हम रख देंगे ताकि कद्दू हमारे गल जाए। और ये देखिए सिर्फ और सिर्फ ये 10 से 15 मिनट में तैयार हुआ है। और 15 मिनट के बाद ये देखिए कद्दू हमारे हाफ जो कुक हो चुके हैं। हल्का सा इसमें पानी भी आपको दिख रहा है, लेकिन इस स्टेज पर आकर हम अपने इसमें बॉयल्ड जो दाल है रखी हुई वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अभी हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देते हैं। इस सारे प्रोसेस को करने में मुझे तकरीबन 15 से 18 मिनट लगे हैं। और ये देखिए बहुत जल्द आपका एक सालन जो वो तैयार होने को है। और ये देखिए जो आपको नज़र आ रहा है ब्लैक ब्लैक, ये एक दाल के ऊपर की स्किन है जो निकालना बोल गई। सो डोंट वरी, इट्स नॉट दैट हार्मफुल थिंग। यहाँ पे मुझे जो गर्मी स्टार्ट हो गई है, कुकिंग करते हुए आपको गर्मी भी लगती है, आपको अपना ख्याल भी करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे साथ में थोड़ा सा ठंडा ठंडा जूस पी रही हूँ। जॉइन मी। और ये देखिए 20 से 25 मिनट में मेरा जो एक सालन है वो तैयार हो गया है कद्दू दाल का। और ये है रमज़ान के लिए बहुत ही इजी रेसिपी, जो कि आप पहले से आधा काम इसका कर लें तो आपके लिए रोज़े में मुश्किल नहीं होगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी। तो कैसे लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? आई होप पसंद आई होगी। غيث تراه بأطياب الهطلان أما انتصار فإنها قد حلقت لتحوز أجرا في ربوع جنان ولأجل لؤلؤة المعاني قد سامت ألقت بهاء طيبا بمعاني والكون يشرق من رواب كلما ظهر التوالى الخير في اثنان وهناك من أمل ترى كل المنى تربي قصيد السعد بالأوزان وضحى التي أضحت بخير مكانة تهب الجمال برفعة الإيمان ومرام قد صنعت بهاء حاضرا بنت النحيت ونورها نوراني وكذاك عائشة احتوت كل الهنا جعلت منابعها إلى الظمآن أما لفاتنا فالقلوب توجهت وتوجهت في السير للرحمن وجواهر الساري بدت في ولنوف مرتفع علت بفعالها فوق السحاب بدون ما نقصان وعهود إن لها الفجاج تزينت سارت تقود كفعلات الربان وإذا الهنوف بدت فإن سماءنا تلاحب بأفضل السكبان يا طالبات الخير يا نبض الوفا يا قصة لمعت كما العقيان يا من آبنتم كل خير بارقا ألبستم من أروع التجار هذا التخرج قد بدا في رونق قد جاء شكرا هبا للمنان شكرا إله الكون إن قلوبنا فرحت بما قد زال من أحزان فالحمد لله الكريم بفضله والشكر حمدا خالق الإنسان
सो ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा एंड स्पेशली द रेसिपी फॉर रमदान। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो होगा माय मिनी शॉपिंग हॉल फ्रॉम दराज। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने दराज से जो छोटी सी शॉपिंग की है वो क्या है, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी तरह से मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।